खोका खोका, 50 खोका, 50 खोका, ये हो गई है भाजपा। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जिस पार्टी ने गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बना दी, जिस पार्टी ने कर्नाटक में मंत्री और करोड़ों रुपए का खोखा खोखा चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की? आप रेल बेच रहे हो, आप सेल बेच रहे हो, आप कोल बेच रहे हो, आप एयर इंडिया बेच रहे हो, आप पोर्ट बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, स्टेडियम बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों को पर्दाफाश करूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार के साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करूंगा, नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास CBI का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं दिल्ली के विधायक, ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे CBI छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ED छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। जब ये कहते हैं मनीष सिसोदिया पे तो केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया पे तो केस बेबुनियाद है, तो वो इनको कहते हैं मुझे मालूम है बेबुनियाद है, मुझे मालूम है फर्जी है, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी का तरीका नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी का तरीका यही है सरकारों को गिराने और तोड़ने का। तुम्हें नहीं मालूम कैसे खरीद फरोख्त की जाती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निर्दोष आदमी को भी जेल के सिक्चों के पीछे डाल दिया जाता है, इस प्रकार की डराने और धमकी देने की बात कही जा रही है। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वह प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है, और इनसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा, 20-25 विधायक हमारे संपर्क में है,
किस प्रकार की बातें कही जा रही है। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्मानी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे के गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निःशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, नंबर वन देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते हैं और कहते हैं हम निःशुल्क यहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया, निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की, नरेंद्र मोदी जी आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की, आपको चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ करने की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की, आप रेल बेच रहे हो, आप सेल बेच रहे हो, आप कोल बेच रहे हो, आप एयर इंडिया बेच रहे हो, आप पोर्ट बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, स्टेडियम बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो, आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी, जो प्रयास दूसरे राज्यों में किया वो बंदर घुड़की का प्रयास दिल्ली में मत कीजिए, यही प्रयास आपने एक बार पहले भी किया था हमारे ऊपर। आपको याद है जब हमारे विधायकों ने कहा हमको ऑफर आ रहा है, हमारे साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरी भाजपा चिल्ला रही थी कहां हुई कोशिश, कहां हुई कोशिश, हमने अपने विधायक से ही तुम्हारे नेता का स्टिंग करा लिया मोदी जी, हमारे विधायक ने ही आपके नेताओं का स्टिंग करके सामने कर दिया। इसलिए अपने लोगों को डरवाने धमकाने के लिए, समझाने के लिए, तोड़ने के लिए भेजने से पहले जरा सावधान रहना, ये दिल्ली है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, ये बिकने वाले लोग नहीं है। याद रखना 28 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 67 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 62 है तब भी आपकी कोशिश नाकाम होगी, किसी भी इस प्रकार के प्रयास में मत पड़ो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर
जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। और चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। कांग्रेस जो सोमनाथ भाई ने वाक्या बताया, कुछ इसी तरह से भी हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी, तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सुमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं, जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे मिले और मुझसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई, अब तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है और हमारी भी इस मुहिम में ड्यूटी लगाई गई है कुछ साथियों की, तो आपके पास मैं आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। मैंने कहा हम तो आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही लोग हैं, आंदोलन से निकलकर आए हुए लोग हैं। क्या हुआ? चलिए चलिए, हम तो आंदोलन से निकलकर आए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। एक दूसरे स्टेट के मेरे जानकार हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई दिल्ली की सरकार गिरने वाली है और तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों गिरने वाली है, ऐसा क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो बहुत सारे विधायकों के साथ उनके संपर्क में हैं और वो सब भी उनके साथ आने वाले हैं, अगर आप
हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। मैंने हम तो ईमानदार लोग हैं कि जी ईमानदार तो तुम्हारे मनीष सिसोदिया भी है। तो मैंने कहा क्या इस देश में किसी को भी कैसे ही फंसा देते हैं। कह रहा बिल्कुल। और भाजपाइयों मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने उत्तराखंड में विधायकों को धमकाकर सरकार गिरा ली होगी। आपने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ खरीद फरोख्त धमकी जांच करके सरकारों को गिरा लिया होगा, तोड़ लिया होगा। एक बार बिहार में भी आपने डरा धमका के सरकार बना ली होगी। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, तीन बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं, जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये चार माननीय विधायकों ने आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश जो आप करना चाह रहे थे, सिंदे प्रयोग जो सिसोदिया ने फेल कर दिया, ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बना दिया, यहां ये कोशिश मत करो। अरविंद केजरीवाल को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों की पेंशन पे, माताओं बहनों की फ्री बस यात्रा पे और फ्री बिजली फ्री पानी पे काम करने दो, काम करने दो। ये मुफ्त की रेवड़ी बोलकर आलोचना करने से भी काम नहीं चलेगा। ये अपनी ईडी और सीबीआई छोड़कर डराने और धमकाने से भी काम नहीं चलेगा। गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ लाते हो, मोदी जी बच्चों के दूध पर टैक्स लगाते हो और अपने मित्रों का 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करते हो, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हो और यहां तक कि DHFL जो 42,000 करोड़ का घोटाला करती है उससे 29 करोड़ रुपए आपकी पार्टी चंदा लेती है मोदी जी। तो आपकी असलियत पूरे देश के सामने आ चुकी है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुकुल राय टूट के गए, किसी मीडिया को नहीं बताया। शिंदे टूट के गए, किसी मीडिया को नहीं बताया। कर्नाटक के विधायक, गोवा के विधायक, अरुणाचल के विधायक टूट के गए, किसी को नहीं बताया। सबूत यह है कि मनीष सिसोदिया से लेके हमारे तमाम माननीय विधायक सामने आपको आकर बता रहे हैं कि इनको तोड़ने का प्रयास किया गया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सबूत माना था इन लोगों ने 28 में जब हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, दिनेश मोहनिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके सबके सामने किया था। तो जो इनके जिनसे भाजपा में भी अच्छे संबंध है उन लोगों से भेजकर शालीनता से धमकी देने का जो प्रयास किया गया उसको इन्होंने उजागर किया। तो इसलिए भाजपा जैसी पार्टी पर अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य। एक सेकंड, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, आपने सवाल पूछा, मुझे आश्चर्य। जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जिस पार्टी ने गोवा में तोड़ फोड़ करके सरकार बना दी, जिस पार्टी ने कर्नाटक में मंत्री और करोड़ों रुपए का खोखा चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, बताइए विधायक अंदर जा रहे हैं वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा 50 खोखा 50 खोखा। ये हो गई है भाजपा। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं, 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। पूरा देश और पूरे देश की सरकारें इनके तोड़फोड़, इनके लोकतंत्र की हत्या की कहानी कह रहे हैं और इसलिए
ये सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि ये विधायक और मनीष सिसोदिया जी सामने आके बता रहे हैं टूटने से पहले, क्योंकि इनका टूटने और झुकने और रुकने का इरादा नहीं।